बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिल रही भाई घाट पे। तो बीच में कुछ ज्यादा ही खराब आ गया भाई। अब 9 बज गए भाई। अरे भगवान, सोने को नहीं मिल रहा यार। उफ भाई, टायरों भी बोलते होने कि भाई बख्श दो, हमारे को बख्श दो, ऐसे रोड पे क्यों चलाया हुआ है ना बेटा। सूर्य देव जी की, और सुबह के बज रहे भाई 8। सो अभी पहुंचने वाले हम सावदा। देख सकते हैं आप आसपास केले कितने सारे खेत है ना भाई, अरे कुछ ही। और पता ही आप लोगों को सबको कि सावदा से ही काफ़ी सारी ट्रांसपोर्टें हैं जहाँ से केला वगैरह लोड होता है, इसके आसपास से ही। तो अभी यहाँ पे पहुँचने ही वाले हम सावदा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज एंड यू आर वॉचिंग ड्रीम ट्रक ब्लॉग्स। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। और हम पहुँचने वाले भाई अभी सावदा। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हमने एंड कर दिया था वो चलते चलते रात में। सावदा के लिए जब हम घूम गए थे ना भाई उधर से, तो पूरी रात चलना पड़ा वहाँ से। और भाई सिंगल रोड देखा ही आपने बीच बीच में, बिल्कुल खड्डे वाला रोड था बिल्कुल। और बहुत टाइम लग गया हमारे को वहाँ से। तो सावदा रह गया यहाँ से 4 किलोमीटर, और ऐसे भाई सिंगल रोड था ये, तो फिर भी बढ़िया है भाई। बीच बीच में तो बिल्कुल ख़राब और बिल्कुल उससे हाईवे बिल्कुल नैरो रोड से, तो गांव के बीच बीच से भाई कई रास्ते और कई तो बिल्कुल ही नैरो आता था भाई। अभी बड़ी मुश्किल से निकाली एक दो जगह गाड़ियाँ, क्योंकि काम चला हुआ ना भाई, रोड का सीमेंटेड हो रहा, तो एक साइड सीमेंट रहता है और एक साइड बिल्कुल कच्चा है अभी, तो उस पर चढ़ा नहीं सकते, इतना पैच है कम से कम। तो काफ़ी मुश्किल से निकली भाई गाड़ी। अभी सावदा के लिए यहाँ से राइट और पालघाट के लिए लेफ्ट, तो ये देखो बोर्ड लगा हुआ है अभी। तो हम जाएंगे यहाँ से भाई, जाएंगे लेफ्ट पालघाट के लिए, और ये चला गया सीधा सावदा के लिए। तो ये देखो भाई काफ़ी सारे जो लोग दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, तो ये खड़े हैं भाई जो केला लोड करने की जो लेबर होती है ना, वो खड़ी हुई है अभी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं अपनी अपनी। जो केला जब केला भरने जाती है ना भाई गाड़ियाँ, तो कम से कम होते हैं भाई 10-15 बंदे तो कम से कम होते ही होते हैं। और जो केला अपने पता नहीं क्या केमिकल्स हम मिलाते हैं वो भी होते हैं, ड्रम वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। क्योंकि मैं एक बार ही ले गया हूँ भाई केला, तो थोड़ा बहुत अब पता है मेरे को। सावदा से ले गया था, सावदा से रोपड़ के लिए ले गया था 15 टन केला, और पाल घाट होके गया था। तो फाइनली भाई हम मुड़ने वाले हैं यहाँ से लेफ्ट, और ये चल जाएगा सीधा पाल के लिए। हम रावेर पहुँचे, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें इधर को भाई हम लेफ्ट। और ये देखो आप, अब होने वाला है असली रोड तो शुरू। बहुत ही तगड़ा रोड है भाई, आगे जाके बहुत नैरो नैरो रोड है, और आगे जाके बिल्कुल ही कच्चा आ जाएगा, परे परे को कुछ भी नहीं। तो चलते चलते देखो भाई अब कैसा कैसे रोड है। शुरू भाई बिल्कुल एकदम घाट देख रहे ना भाई, क्या मस्त लग रहा है ना भाई। एकदम बीच से छोटा सा रोड और बाकी हमारी गाड़ियाँ भाई, और यहाँ पे सारा बंजर है जमीन बिल्कुल। तो अभी तो एक घाट नीचे उतरेगा भाई, अभी तो बिल्कुल चढ़ ही रहे हम ऊपर, अभी नीचे भी उतरना है डाउन। तो दूर दूर तक बिल्कुल पेड़ ऐसे नहीं, घने पेड़ नहीं है। और एक बाइक और चल चलता हूँ, चल चल खींच देता हूँ। ओह माय गॉड,
रिकॉर्ड डाउन शुरू हो गई है। ऐसे को आप खड़ी टक्कर है भाई ऐसे करके बिल्कुल स्लो और पहाड़ों के बीच से। शायद नाश्ता करने के लिए रुके क्योंकि दिन के बजे है, सुबह के बज रहे हैं 9:30 बज रहे अभी तो ज़्यादा, तो लगाते गाड़ियाँ साइड में इधर। शाम को जो शोलापुर से 5 बजे हम चले हैं ना, कहीं भी नहीं रुके, बस खाना वगैरह खाने रुके थे हम, उसके बाद कहीं भी नहीं रुके हुए, और 9 बज गए अगले दिन के। 9 बज गए भाई, अरे भगवान सोने को नहीं मिल रहा यार। उफ भाई फटाफट वीडियो एडिट करूँगा पहले वाले भी, सोऊंगा कहाँ पे, चाय नाश्ता करूँगा फटाफट से, रेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ई हाँ जी उस्ताद जी, अब मेरे को आती नहीं है महाराष्ट्र भाषा। क्या बोलते एगड़े 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 ला तगड़ी लग रही है ना अभी एगड़े, एगड़े। तो डाल दूंगा सच में, डाल दिया पक्का। सिगरेट कौन सी पी रहे आप? ब्लैक 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 है, ऑल ब्लैक बढ़िया यार, तगड़े लग रहे हैं आप उस्ताद जी। फाइनली भाई हम रेडी हो गए, बाकी नहाएंगे भाई आगे ही, अभी तो हाथ मुंह वगैरह ब्रश वगैरह करके फ्रेश हो गए, आप निकल रहे हैं यहाँ से, बाकी एडिटिंग करूँगा भाई बाद में ही। 10 बज गए तो निकल गई गाड़ियाँ सारी निकल गई है, हम भी चलते हैं फटाफट से। अभी आज का भी हमने स्टार्ट, वैसे तो हम रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे भाई, अभी सोना भी है कहीं पे, तो जहाँ पे भी अभी एक बार मेन रोड में पहुँच लेते हैं जो कि है खरगोन। खरगोन से जब मेन रोड में उतरेंगे तो वहाँ पे खाएंगे खाना, तो अभी चले भाई। तो देखो आगे गाड़ियाँ जा रही है, तो बीच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ गया भाई, अब जब से हम परे से चले ना तब से लेकर ख़राब ही है काफ़ी, और यहाँ तो गाड़ी भी झूल रही है बहुत गंदे तरीके से, और सामने उस्ताद जी की गाड़ी भी कैसे झूल रही है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक आएगा, शायद बोल रहे थे 3-4 किलोमीटर तक ही ऐसा ख़राब, उसके बाद भाई आगे से आ जाना गाड़ी, इसमें पासिंग कर लेनी है, पास के लेनी इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पर भी एंट्री देनी पड़ती है भाई, देखो हर जगह है भाई, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए से क्या ही बन जाता होना इनका। ये यहाँ पे लड़का खड़ा है ले रहा 10-10 रुपए सबसे, तब छोड़ते हैं यहाँ गड्डिया, तो मतलब बढ़िया दिहाड़ी लग जाती है ना, कि शाम तक जी आप देख लो अगर 20 गाड़ियाँ भी आती है तो 200 रुपए खड़े है भाई कहीं नहीं के, 200 रुपए के बढ़िया दिहाड़ी लग रही बंदे की खड़े खड़े यहाँ पे, क्या करे भाई हर जगह एंट्री का सिस्टम, चाहे आप गांव में चलो चाहे मेन हाईवे में चलो। थोड़ा अरे कश्मीर बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिल रही भाई घाट पे, बॉर्डर बचाते हैं ना भाई, बॉर्डर बचाते हैं, और आपका जो ओवरलोडिंग वगैरह हो ही जाती कई बार गाड़ियाँ तो इधर से जाती है, वो इधर से 1 रुपए का खर्चा नहीं, मतलब वही 10-20 रुपए भाई क्या होते हैं कुछ भी नहीं, और जी आप जाओगे उधर से जो आपका बॉर्डर है अगर आप वहाँ से जाओगे तो आप सोच लो भाई कितने पैसे लगेंगे वहाँ से। ओवर हाइट का अलग से चलान होता है, ओवरलोड का तो आप छोड़ ही दो ना कि ओवरलोड छोड़ेंगे, 43,000 रुपए का 1 टन में काफ़ी कुछ है भाई, तो यहाँ से बढ़िया है थोड़ा सा है खराब बीच में रोड। और
टंकी होगी भाई फुल तो, हाँ फुल ही होगी है। और अभी किलोमीटर वगैरह जोड़ेंगे बाद में यार, अभी चलते हैं, अभी लेट है जरा। तो आना जाइए, पंप था यहाँ पे, रुके थे बिस्तान से आगे, बिस्तान है परे को, और अभी आएगा खरगोन आगे। तो चलते यार फटाफट से, क्योंकि लेपड़ बाईपास क्रॉस करना है भाई रात से पहले, और तीन गाड़ियां हैं तो हो ही जाना चाहिए पार। तो अभी देखते हैं एवरेज वगैरह जोड़ूंगा बाद में यार। तो ये भाई हम खरगोन कर रहे हैं पास, और काफ़ी रश है भाई रोड पे, और पीछे यहाँ पे ना एक दो बारी ना लेफ्ट राइट घूमती है गाड़ी, तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आना पड़ता है। बाकी भाई रोड पे ना रश इतना है ना कसम से। तो अब आपको सीधे मिलते हैं भाई जहाँ भी रुकेंगे, चाय पीने या शीशे साफ करने, क्योंकि भाई गाड़ी चलानी पड़ेगी ना तो कैमरा नहीं पकड़ सकता। देखो इतना रश है ना भाई रोड पे, कोई बाइक, कोई स्कूटी, कोई साइड बाइक वाला, ये देखो हर कहीं से घुसते भाई, इसलिए पहले ही सेफ्टी लेते और चलते। तो ये है भाई वो खरगोन, और भाई सनसेट देखो भाई क्या मस्त हो रहा है, और यहाँ को थोड़ी सी नदी है, और इस साइड को भी, पर नदी तो सूख ही गई है। क्या मस्त है ना यहाँ पे भाई, मेला लगा हुआ है कसम से। जो जल्दी आते तो जहाँ भी आना था हमने, पर अब तो लेट हो गया। तो एक खरगोन का मेला, और भाई लाइटिंग क्या जबरदस्त है ना भाई हुई हुई, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर ले देशों में नहीं होता भाई। पहुंची गई सरकार आज पूरे दिन, आए भगवान। टैरो भी बोलते होने कि भाई बख्श दो हमारे को, बख्श दो, ऐसे रोड पे क्यों चलाया हुआ है ना बेटा। उफ आज तो टैरो की भी कसम से दशा खराब है हुई भी, ए भगवान। ये देखो कहीं यहाँ लगा हुआ है पत्थर, कहीं यहाँ लगा हुआ है पत्थर। भाई रोड तो देखा ही आपने, बाकी तो नहीं है, बाकी तो ठीक है, गर्म भी नहीं होते टायर। तो पहुंच गए भाई हम इधर, अभी सागर होटल, ये देखो वेज एंड नॉन वेज छोटी कसरावंद। सो अभी शीशे वगैरह करेंगे भाई साफ, फिर चलेंगे यहाँ से। भाई चाय वगैरह हमने पी ली थी, शीशे वगैरह साफ कर लिए थे, और फिर हम वहाँ से आगे। तो अब पहुँच गए देखो हम मेन रोड पे। तो ये है भाई खल घाट के लिए यहाँ से राइट, बाकी देखो मुंबई और ठिकरी लिखा हुआ ना इसमें, मुंबई और ठिकरी लेफ्ट। सो यहाँ पर मिल जाता है भाई ये रोड आके। तो ये हो गया भाई लोगों अपना शुरू लेपड़ बाईपास, और यहाँ से रखनी पड़ेगी अब एक दूसरे के पीछे, बिल्कुल ऐसी गड़िया ना बिल्कुल लाइन में, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं ना पत्थर मारते हैं, शीशे फाड़ते हैं, गाड़ी में चढ़ जाते हैं ऊपर, बहुत कुछ करते हैं भाई। तो अभी जाम पता नहीं कहेगा लगा हुआ है। तो भाई ये कर रहे थे हम लेबड़ बाईपास क्रॉस, और जो अपना ये पाल घाट वाले रास्ते से आए ना भाई, हम इसमें बच जाते हैं हमारे 1100 रुपये सेंधवा और पलासनेर बॉर्डर के, बाकी टोल भी नहीं लगते आपके कोई नहीं। सो आप बड़ी खुशी से आ सकते हैं इधर से, पर आपके डीजल एक्स्ट्रा खा सकती है इस पर, तो उसका ध्यान रखें भाई, बाकी रात को ना आए वहाँ से, बाकी दिन दिन के लिए वो रोड बहुत अच्छा है। 11:30 हो चुके हैं, अब जाके पहुंचे हम बंदनावर से आगे, ये थोड़ा सा रॉन्ग साइड आना पड़ता है, तो लगाते भी यहाँ गाड़ी और खाना वगैरह खा के आते हैं। यार हुडी पहननी पड़ेगी, आपको पता ना ठंड हो गई है भाई, अब नॉर्थ को जैसे जैसे जा रहे हैं ना भाई, तो ठंड बढ़ती जा रही है। लगाते फटाफट से और खाना खा के आते फिर इस ब्लॉग को भी करते भाई एंड। तो फाइनली भाई हमारा खाना लग गया, आज खा रहे हम साग काफी टाइम के बाद, सब ने साग मंगा दिया, क्या बात, देखा देखी मैं नई डिश हमारे लिए, कोई भी टूर से आ रहे हम तो खाते भाई इसको, और बाकी मक्की की रोटी भी मंगाई हुई, मक्की की रोटी भी आ रही है, तो मक्की की रोटी सरसों का साग। भाई 12:33 हो गए और बाकी हमारा बिस्तर लग गया है, ठीक है,
और बाकी हम एक एक कंबल ले लेते हैं, हो जाता है इससे। अभी इतनी ठंड नहीं है ना इधर, मतलब अब हो गई है जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं ना भाई, नॉर्थ को आपको बोल रही था मैंने, वैसे वैसे ठंड हो रही है। तो करते भाई आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। यार आज हम सो रहे हैं भाई, कम से कम दो नाइट है और दो डे के बाद में, क्योंकि बस हम सुबह देखो जब बैंगलोर से मैंने फर्स्ट नाइट देखी थी, जो आपने पहला ब्लॉग देखा था उसमें भी पहली नाइट लगी हुई थी, दिन को हम सोए नहीं ढंग से, एक घंटे सोए थे, उसके बाद फिर से चल पड़े थे और पूरी रात लगाने के बाद फिर 4 बजे भाई जब सोना था तो फिर टायर हो गया पंचर, आपने देखा ही पिछले ब्लॉग में। और कल की नाइट भी लगी देखो पूरी, आज का डे भी लग गया पूरा और आज की नाइट भी होगी आती भाई, तो सोए नहीं है काफ़ी टाइम हो गया भाई ढंग से। आज सोएंगे 12:30 से और सुबह शायद 6-7-8 बजे जब भी नींद खुलेगी। तो इस ब्लॉग का आज यही पे एंड। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो यार, और आप लोग सजेशन किया करो भाई, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपकी प्रेफरेंस है देखने की, उसके बिहाफ पे बनाया करेंगे भाई वीडियो। सो थैंक यू सो मच भाई वीडियो वॉच करने के लिए, और आप लोग पूरी वीडियो देखा करो भाई, बीच में अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो, फिर आप उसी के लिए कमेंट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी बार मैंने देखा आप लोग ऐसी चीज़ पूछते हो जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दी होती है, वो आप कमेंट में पूछ रहे होते हो, तो फिर ऐसा लगता है कि आप शायद वीडियोज़ नहीं देखते और सीधा कमेंट कर देते हो भाई। सो भाई पूरी वीडियो देख लिया करो, उसमें मैं हर चीज़ की आपकी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर मैं दे देता हूँ बीच बीच में। सो पूरी वीडियो देखा करो, नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, अपने माँ बाबा की सेवा करते रहे और देखते रहे भाई ड्रीम टेक व्लॉग। थैंक यू सो मच वॉचिंग यार, और ऐसे ही भाई प्यार सब्सक्राइब करते रहो, मिलते आपसे कल के व्लॉग में। और लास्ट में भाई ये चूहा हमारा, देखो चूहे के लिए भूखा नहीं मार रहे हम चूहा, उसकी पूरी रोटी इसको दी हुई है हमने।